मुद्दत टाइम पीरियड फेस कितना है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमामत का टाइम पीरियड कितना था? 9 साल है, 11 साल है, या फिर 14 साल है, या 21 साल है? आप हजरात अपने हाथ को बुलंद करिए, उसका जवाब दीजिए। हम सवाल फिर से पूछते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत की मुद्दत क्या है? ऑप्शन सुनिए ध्यान से, 9 साल है या फिर 11 साल है, 14 साल है या 21 साल है? कोशिश करिए, ट्राई करिए। ऑप्शन 4 है, एक सही होगा, 4 3 गलत होंगे। बेहतर, बेहतरीन, बेहतरीन जवाब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का टाइम पीरियड 11 साल है, जो सन 50 हिजरी से 61 हिजरी तक है। अब इस सिलसिले का आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है, शहदाए कर्बला की कौन सी ज्यारत है जो इमाम जमाना अलैहिस्सलाम ने हमें इल्म किया, हमें तालीम किया हुआ? सवाल फिर से सुनिए, इमाम शहदाए कर्बला की कौन सी ज्यारत है जो इमाम जमाना अलैहिस्सलाम ने हमें इल्म किया है, हमें तालीम किया हुआ है? इसके ऑप्शंस ये हैं, ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत आशूरा, या फिर ज़ियारत नाइया। अहसन अहसन, जिसमें यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसायब हैं, फजाइल हैं, और भी बहुत कुछ है उसमें। तो इंशाल्लाह इसको देखिएगा, आप लोग भी इसकी ज़ियारत पढ़िएगा इंशाल्लाह ताला। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है, आईना तालिबो बेदमिल मकतूल है बेकर बला, ये किस दुआ का हिस्सा है? ऑप्शंस में ये हैं, दुआए कुमैद है, दुआए नुतबा है, दुआए अहद है, या फिर दुआए फरज है? ऑप्शंस फिर से सुनिए, आप कोशिश करिए, 3 तो गलत होने ही है ना, 1 सही होगा, 3 गलत ही है, वो सही नहीं होंगे। दुआए कुमैल है, दुआए नुतबा है, दुआए अहद है, बेहतरीन, दुआए नुतबा वो दुआ है जो हमें जुमे के दिन पढ़ना चाहिए, या उसके अलावा हमें ईद के दिन भी दुआए नुतबा पढ़ना चाहिए। इस सिलसिले का अगला सवाल है, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख और सन के साथ बताइए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख और सन के साथ बताइए। पहला ऑप्शन है 4 शाबान 22 हिजरी, 4 शाबान 26 हिजरी, 4 शाबान 32 हिजरी, या 4 शाबान 33 हिजरी? 4 शाबान 26 हिजरी। हज़रत अब्बास, अगला सवाल हमारा, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालदे मोहतरम का नाम बताइए। फातिमा बिनते हिज़ाम, फातिमा बिनते असद, हज़रत अब्बास की वालदा का नाम सलवात पढ़े आप हज़रत। इसको बनाइए, इसको बनाते हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।